दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब पड़ोसी देशों की छोटी छोटी नौकाएं तक चुराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी नौसेना कहने वाली चाइनीज नेवी अब नौका चुराने का काम कर रही है, जिस पर दुनिया तो चीन का मजाक उड़ा ही रही थी, लेकिन अब चीन के जानी दुश्मन यानी फिलीपींस ने भी चीन को सीधे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। प्लस भारत ने भी चीन की सवाहियात हरकत पे अपना तंज कसा है। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है विवादित दक्षिण चीन सागर की, जहां पर चीन अब दादागिरी के साथ साथ लूटपाट का भी काम करने लगा है। दरअसल सोमवार को फिलीपींस न्यूज एजेंसी की ओर से खबर आई थी कि 8 से अधिक मोटर बोट पर सवार चीनी तटरक्षक कर्मियों ने फिलीपींस नौसेना की दो नौकाओं को बार बार टक्कर मारी और उन पर चढ़ गए। टक्कर मारने के लिए ऐसी कुछ वजह भी नहीं थी, इसके बावजूद चीनी तटरक्षक कर्मी जबरदस्ती कर रहे थे, वो भी फिलीपींस के ही समुद्र क्षेत्र में। फिलीपींस नेवी का कहना है कि टकराव के बाद चीनी कर्मियों ने हमारे दो नौकाओं को जब्त कर लिया और उन्हें तहस नहस कर दी। साथ ही नौकाओं पर मौजूद 8 M4 राइफल समेत कुछ उपकरण भी जब्त कर लिए और हमारे कई कर्मियों को घायल भी कर दिया। अब इसी बात पे गुस्सा हुए फिलीपींस आर्मी के चीफ जनरल रोमियो ब्रॉर्नर जूनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन को चेतावनी दी है कि चीन हमारी राइफलें और हमारे उपकरण जल्द से जल्द लौटा दे। हम ये भी मांग करते हैं कि उन्होंने जो हमें नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी की जाए, वरना हम भी चीन के जहाजों को ब्रह्मोस से उड़ाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अब तक तो हम चुप थे, लेकिन अब और सहन नहीं करेंगे। चीन की दादागिरी अब हमारे किनारे तक आ पहुंची है, जिसका माकूल जवाब देना अब अनिवार्य हो चुका है, और चीन हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। भारत ने भी चीन पर अपने बात रखते हुए कहा कि चीन की वन चाइना पॉलिसी दूसरे देशों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, दादागिरी की भी एक हद होती है। अच्छा यही होगा कि चीन फिलीपींस को नुकसान भरपाई दे, वरना एक नई लड़ाई शुरू होनी तो तय है।